हेलो हेलो हेलो। तो ये नॉन वेजिटेरियंस जो है ना, हमारे यहाँ से बड़े बदनाम हो जाते हैं। एक तो यार, क्या तुम लोग वेज भी खाते हो, नॉन वेज भी खाते हो? दूसरा, कभी भी बोलो नॉन वेज स्नैक, क्या वो फ्राइड देते हो या तंदूरी देते हो या चाइनीज़ देते हो, है कि नहीं? होता है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। ना फ्राइड, ना तंदूरी, ना चाइनीज स्नैक्स, बल्कि एक फर्स्ट क्लास नॉन वेजिटेरियन स्नैक बनाने के लिए हो जाइए तैयार। और लगेगा सिर्फ चिकन, दही, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू मेरे यार। ठीक है, शुरू करें म्यूजिक के उस पार। भूल गया था मैं पूरी का, अब हो गई कविता पूरी, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी बनाएंगे नींबू चिकन। रेसिपी जरूरत से ज्यादा सिंपल है, मतलब इतनी सिंपल है कि सबसे सिंपल रेसिपी शर्मा जाएगी और जरूरत से ज़्यादा टेस्टी है। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी ड्रमस्टिक पकाएं तो ड्रमस्टिक में यहाँ पर एक रबर बैंड होता है, ये रबर बैंड काट दें। दो साइड्स होती हैं ड्रमस्टिक की, एक ये प्लेन साइड और एक ये सफ़ेद साइड। सफ़ेद साइड में होता है वो रबर बैंड। साइंस इसकी ये है कि ये रबर बैंड जो है एक्चुअली टेंडन होता है जो हड्डी को मसल से जोड़ता है, और जब गरम करते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। टाइट होके चिकन के मांस को खींच लेता है और एक तो टेढ़ा मेढ़ा कर देता है चिकन की टंगड़ी को, और दूसरा मोर इम्पॉर्टेंटली मीट को हल्का सा टफ कर देता है। टफ जो है वो इंसान होना चाहिए, मीट नहीं। वारन भी क्या चीज कह दी, नहीं किया ना सब्सक्राइब, पता था मुझे। कर दीजिए, बाल सफेद हो गए मेरे बोल बोल के। ये वाला पार्ट नॉर्मली मैं करता नहीं हूं, लेकिन यहां पे कर देते हैं, कट मार देते हैं ऐसे ड्रमस्टिक में। कट इसलिए ताकि मसाला जो है वो थोड़ा अंदर तक जाए, ज्यादा गहरे कट नहीं मारने वरना शेप खराब हो जाएगी। ये थाइज है हमारे पास, इसमें कोई रबर बैंड नहीं है, एटलीस्ट परेशान करने वाला टेंडन नहीं है, तो इसलिए इसमें भी कट मार लिया। ये गया चिकन बोल के अंदर। ये है जी फर्स्ट मैरिनेशन, उर्फ प्रथम मैरिनेशन। ये नमक और नींबू चिकन में लगा के इसको छोड़ना है 15 से 20 मिनट, तब तक हम द्वितीय मैरिनेशन बना लेते हैं। और द्वितीय मैरिनेशन बनाने के लिए आपको चाहिए, अब तो सबको याद ही हो गया, 6 तो सारे इंग्रेडिएंट हैं डिश में, 6 में से हमने 2 तो डाल दिए, चिकन और नींबू। नमक किसी गिनती में नहीं आता, ऐसे मत करो फिर, आप मेरी काउंटिंग मत खराब करो। मिर्च, अदरक और गुलाब जामुन, लहसुन लहसुन, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करते रहना चाहिए ना आपको। ये मिर्च तीखी नहीं है, अगर मिर्च तीखी होगी तो इसकी 1/4 यूज करिएगा, ठीक है? ये दिखाने वाली मिर्च है, डराने वाली। बस इसमें थोड़ा सा तेल ताकि मैरिनेशन बराबर हो, थोड़ा सा नमक, बाकी गॉड इज ग्रेट। इसका पेस्ट बना लेंगे, एकदम बारीक बनाइएगा। थैंक यू। अब चिकन को नमक और नींबू लगाने का फायदा क्या है? चिकन को नमक और नींबू लगाने का फायदा यह है कि नींबू में एसिड होता है, एसिड से चिकन का जो प्रोटीन है वो और टेंडर होता है, नाजुक होता है। नमक लगाने का फायदा यह है कि नमक से चिकन का जो पानी है वो खिंचता है, यानी कि चिकन का फ्लेवर स्ट्रांग होगा और चिकन का जो टेक्सचर है, जो जूसीनेस है, वो बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल, हर चीज का कारण है, सब कुछ साइंस है। जब पढ़ाते थे ना टीचर और हम लोग ध्यान नहीं देते थे, तब हमें पता नहीं होता था कि एक दिन नींबू चिकन आएगा और सारी साइंस रिवाइज करनी पड़ेगी। प्रोटीन प्लस एसिड इज इक्वल टू डीनेचुरेशन है, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू मेम्ब्रेन इज इक्वल टू ऑस्मोसिस, तब पढ़ लिया होता तो आज रणवीर से पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ देखो जी, ये है दही और वो द्वितीय मैरिनेशन दे दीजिए जरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दही और द्वितीय मैरिनेशन मिला लिया जाएगा। दही और द्वितीय मैरिनेशन मिला के बन गया तृतीय मैरिनेशन। अब ले आते हैं जी अपना चिकन। जब आपने इसको भेजा था तब ये थोड़ा लाल में था,
अब ये थोड़ा सफ़ेद में हो गया। सफ़ेद में क्यों? क्योंकि वो जो नींबू है उसने अपना काम किया है। दूसरी चीज़, चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया एक्स्ट्रा, मतलब जूसीनेस बढ़ गई है और टेस्ट भी बढ़ गया है। जितना आप यहाँ पे पानी निकाल लेंगे ना उतने सुखी रहेंगे आप। इस पानी में टेस्ट नहीं है, पानी सिर्फ पानी है। ये प्रथम मैरिनेशन वाला चिकन, अब इसमें द्वितीय और तृतीय दोनों मैरिनेशन डाल देते हैं। देखिए जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मुझे इसमें अदरक हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। खासतौर अगर आप स्टार्टर्स बनाते हैं तो गार्लिक कम रखिए, गार्लिक मेन कोर्स में अच्छा लगता है। स्टार्टर्स में मिंट, जिंजर की फ्रेशनेस या हरी मिर्च की फ्रेशनेस ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए स्टार्टर्स के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट में जिंजर ज़्यादा गार्लिक कम। बहुत सारी रेसिपीज जो है वो काजू वाजू डालती हैं। कायदे से नींबू चिकन में काजू नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज काजू जो है वो इसको मेन कोर्स की तरफ ले जाता है, हैवी कर देता है। अपने को चाहिए चिकन का फ्लेवर बढ़ के आए, नींबू का फ्लेवर बढ़ के आए, और मसाला जो है बस बिल्कुल लपटा लपटा रहे। मेन कोर्स नहीं है, स्टार्टर है, इसलिए काजू अवॉइड करें। गाढ़ा करने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, लेकिन काजू नहीं डालते। अब नाम नींबू चिकन है, रणवीर नींबू थोड़ा सा डाला और वो भी निचोड़ दिया। वो इसलिए कि नींबू जितना पकेगा उतना कड़वा होगा, इसलिए बाकी बाद में डालेंगे लास्ट में। इस मैरिनेशन में आपको चिकन को छोड़ना है 15 और मिनट, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। क्यों? फिर फ्लेवर्स जो है डाइल्यूट होने शुरू हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो मैरिनेशन था, प्रथम मैरिनेशन में आप छोड़ सकते हैं चिकन को आधे से एक घंटे तक, नो प्रॉब्लम। लेकिन द्वितीय और तृतीय मैरिनेशन का जो मिश्रण बना है, उस मिश्रण में चिकन को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना, फ्लेवर्स डाइल्यूट हो जाएंगे। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, बताया था रणवीर। देखिए 6 इंग्रेडिएंट यूज़ किए मैंने, ठीक है ना, सातवां मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन चलिए कर लेता हूँ। अब आपने ये जो तेल गर्म किया है, इसमें आप डालेंगे अपना नींबू चिकन, लेकिन इस तेल को हल्का सा फ्लेवर दे देंगे तो सूखी रहेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा। इसको फ्लेवर देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लौंग और तेजपत्ता, या फिर छोटी इलायची और तेजपत्ता, जो भी इस्तेमाल करें। तेजपत्ते के साथ सिर्फ एक स्पाइस इस्तेमाल करें, गरम मसालों की दुकान ना डालें तेल के अंदर, ठीक। चिकन प्लस लॉट्स ऑफ मैरिनेशन, उसके बाद उसको डालना है हांडी में, और हांडी में डाल के चलाते 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 उसको बिल्कुल भरता बना लेना है इसका। नहीं मजाक कर रहा हूँ, जब आपको लगे कि दही पक गया है तब ढक्कन लगा देना है, बस भाई इतना सही है काम, हम ज़्यादा मेहनत वाला करते नहीं। और कोई मसाला नहीं है, देखिए आप, थोड़ी मैं हल्दी डालूंगा बाद में, ऑप्शनल है वो भी, बस। और नहीं चलाना इसको अब, क्योंकि और चलाएंगे तो चिकन टूटने लग जाएगा। चिकन में जब तक स्ट्रेचेबिलिटी है, 40% जब तक पका हुआ है तब तक चलाइए, उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए, वरना आप बनाने जाएंगे नींबू चिकन बन जाएगा भरता चिकन। आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। चिकन को चला चला के भूत नहीं बनाना उसका। देखिए कायदे से इसके ऊपर आप अगर हल्का सा वो काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे ना, बहुत है। लेकिन अगर आप चाहें थोड़ा शौकीन मिजाजी में एक सीक्रेट मसाला आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन काली मिर्च से भी हो जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हर बार आप कॉम्प्लिकेटेड सा मसाला बता देते हो। छोटी इलायची, एक लौंग, बेबी से भी बेबी मेथी, नमक, बस हल्का सा सुखाना है इसको, लाइटली। जब जीरे के भुनने की खुशबू आ जाए तो मामला रेडी है, चिकन जो है एकदम डन है। ग्रेवी लेते हैं सूखा, और पाउडर लेते हैं बना। देखिए जब ऐसे तेल छूट जाए ना ग्रेवी का, ये देख रहे हैं आप, मतलब चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, तब थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी क्यों? ताकि बस रंग को एक डेफिनेशन मिले, बस। हल्दी चिकन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी डालनी है। और जो हमने अलग किया था ना टेंडन को, रबर बैंड को, उसका फ़ायदा देखिए कि जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट शेप है। ड्रमस्टिक जो है वो ड्रमस्टिक जैसी लग रही है, टंगड़ी टंगड़ी जैसी लगनी चाहिए ना, तो इसलिए वो फॉर्मूला सीख लीजिए बस आप। टंगड़ी के साथ रबर बैंड काटने का, टेंडन काटने का बोलूंगा तो फिर आप लगेगा ये साइंस प्रोफेसर की तरह बात कर रहा है। गैस चालू रखिए, थोड़ा सा पानी डालिए पहले। देखो जी तेल अलग हो गया, मामला सेट है। अब वापस से तेल को इमल्सिफाई करना है बगैर काजू के। ये है अरारूट जिसको हमने पानी में घोल रखा है,
अरारूट ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। ये देखिए, पास आके देखिए कि एकदम सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी टेक्सचर आया है, बन गया ना फर्स्ट क्लास। और चाहे तो नींबू पनीर भी बना सकते हैं ऐसे, हैं, लेकिन अगर पनीर के साथ बना रहे हैं तो पहले मसाले को अलग से भून लीजिएगा, बिकॉज मसाले में जिंजर गार्लिक सबको पकना है। चिकन के साथ तो पक गया, उसको टाइम मिल गया, पनीर के साथ उतना टाइम नहीं मिलेगा। नींबू डाल के ज़्यादा नहीं पकाना उसको, एक बॉयल और गैस बंद। ये जी नींबू का छलका, कोशिश करेंगे सिर्फ पीला वाला या हरा वाला हिस्सा डालें, सफ़ेद वाला ना डालें, सफ़ेद वाले में कड़वाहट होती है। हाँ, बाकी जो जो सोच रहे हैं कि रणवीर ने चिकन काटा, चॉपिंग बोर्ड नहीं धोया, चॉपिंग बोर्ड बहुत पहले धुल चुका है, ज़्यादा नहीं है धनिया, रणवीर बरार बोल रहा है धनिया ज़्यादा नहीं, सोचिए। और अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो दही कम डालिए, बिकॉज खटास जो है वो दही से नहीं आनी चाहिए, खटास नींबू से ही आनी चाहिए। यहाँ पर स्टार सिर्फ एक है, बस नींबू। मैं क्या जी, बातों बातों में चीज़ बम बन गई है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ये गया थोड़ा हमारा मसाला, ये देखिए ऐसे दरड़ा दरड़ा है। स्टार्टर का स्टार्टर, चिकन का चिकन, टंगड़ी की टंगड़ी, मजे के मजे। और ऐसा वाला स्टार्टर है कि ऐसा नहीं कि अरे एक खा लिया बहुत मिर्ची हो गई, बहुत हैवी हो गया, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप का स्टार्टर है ये। हैं, मैंने प्रॉमिस किया था ना, नो फ्राइड, नो चाइनीज, नो तंदूरी, लेकिन नॉनवेज स्टार्टर मजे का। इससे सिंपल और इससे टेस्टी अगर कोई चिकन स्टार्टर बता देना तो हम मूछें मुंडवा लेंगे, बाकी गॉड इज ग्रेट।